बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर प्रतिभा प्रोत्साहन परीक्षा 2019। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए। गोड़ातनी हियरा से अभिनंदन बरवलो के भारत लाइव के आपन जोड़ के ठेहाबा खूंटा ठोक के ओकरा में बहुत बहुत अभिनंदन कर देनी। रोज यह बात कहिले कि जहाँ छोड़ के कल गए रही आज ओजे से शुरुआत कर देनी। नीतीश कुमार जी के तरफ से उनका पार्टी के कई गो मंत्री बड़ा बड़ा चेहरा अब यह बात के कहे में और बिहार के लोग के समझावे में लागल बा कि NRC बिहार में लागू ना हुई। CAB बिल पर समर्थन के बाद नीतीश कुमार के पार्टी में विद्रोह हो गई है जना के लेकर के रुवालों के खबर जानते बनी। लेकिन हम ये कहे नहीं खेल कि नीतीश कुमार जी अपना पार्टी के नेता लोग से अपना मंत्रालय के मंत्री लोग से अब बिहार के जनता के ई कहवावतरण कि NRC ना लागू हुई चिंता करे के जरूरत नहीं है। हम ई कहे खातिर आयल बनी कि ना बिहार में NRC लागू हुईबे करी नीतीश कुमार जी से ना रुकी। अब रुआ सोचब कि ये बात कैसे हो गई भाई जबकि नीतीश कुमार जी बिहार के मुखिया बन जब वो कहत रहे हालांकि वो अपना मुँह से अभी निकल कहल एकरो पर पवन वर्मा जन उनका पार्टी के विद्रोह कैले रहन विरोध में खड़ा रहन उनकर कहना बा कि नीतीश कुमार के आगे आकर के और बिहार के जनता के सामने यह बात के भरोसा दिलावे के चाहिए कि NRC बिहार में लागू ना हुई। विरोध के स्वर थोड़ा सा कमजोर जरूर पड़ल बा लेकिन विरोध के आँच जौन बा वो धीरे धीरे सुलगता। ओकरा में जौन संविदा डाले के रहे लकड़ी डाले के रहे जौन जौन ओमे हवन के सामग्री डाले के रहे उतर वो लोग देखबे कहीं नहीं कि हवन के सामग्री लेकर के और JDU कार्यालय के सामने RJD पहुँच गई रहे। स्वयंकारी जौन यूथ के अध्यक्ष पड़े बिहार के उनका नेतृत्व में पूरा RJD के युवा विंग वजह जाके हवन भी कैलस और स्वाहा स्वाहा भी नीतीश कुमार के कैलस। कितना जायज रहे कितना उचित रहे ये तो रउआ लोग जनता मानी बेहतर समझ सकी ले। लेकिन एक मामला पर जो कहानी है कि एक तरफ नीतीश कुमार के पार्टी प्रशांत किशोर जब मिल के अले नीतीश कुमार से बहुत खीस में रहन इस्तीफा लेके गई रहन जौन बात हमनी के जानकारी मिलत थोना आधार पर जब नीतीश कुमार के लगे इस्तीफा लेके गए तो नीतीश कुमार कहले कि तहरा खातिर पार्टी तैयार बा तू पार्टी में रला हा आजो बाड़ आगे भी रहब तहार जरूरत बा पार्टी के। ओजे दूसरा तरफ जैसे ही प्रशांत किशोर CAB पर विरोध कैले एकरा के राष्ट्र विरोधी लोकतंत्र के विरोधी और यह देश के आत्मा के विरोधी बतौले। एकरा अलावे उ दूसरका जन विरोध कैले वो कैले कि जितना भी गैर भाजपा शासित राज्य बाड़े उनकर मुख्यमंत्री लोग के आह्वान कैले कि आवो लोग और देश बचाव में योगदान करो लोग। बात बहुत आगे बढ़ गई प्रशांत किशोर अले अब उनका के बोलाहटा नीतीश कुमार दिल रहन कि वो खुद नीतीश कुमार के यहाँ अले अभी ये थोड़ा सा असमंजस वाला स्थिति बा। लेकिन मुलाकात के पहले उनकर स्वर जौन रहे वो मुलाकात के बाद बदल गई और वो नीतीश कुमार के मुँह के बाद अपना मुँह से कहे लगले। अभी कितना नीतीश कुमार के मुँह के बाद अपना मुँह से कहता रहे ये दिगर बात बा ऐसे कि वो बात रुवालों के हम बता ही चुकल बानी भारत लाइव भी पता चुकल बा और रुवालों के और भी माध्यम से पता चलिए गई हुई कि उनका कहना यह बा कि नीतीश कुमार जी के एक प्रण बा कि बिहार में NRC लागू ना हुई। आखिर CAB जब लागू हुई तो NRC तो ऑटोमेटिक लागू हुई कारण कि CAB जो रजिस्टर बा सिटीजन रजिस्टर उस सिटीजन रजिस्टर में नाम जैसे ही जुड़ी तो ऑटोमेटिक नागरिकता के भान हो जाई। एक तरफ जहां मुद्दा के लेकर के विपक्ष पूरी तरह से हमलावर बा उपेंद्र कुशवाहा के कहना बा रुआ सोचत होगा कि हम ये कहनी है कि CRB NRC वगैरह वगैरह जितना भी चीज़ बा ये सब बिहार में लागू हुई नीतीश कुमार कहते रहे ना लागू हुई तो हम कौना आधार पर कहनी है कि लागू हुई ये बात रुआ लोग के जरूर बताई। लेकिन पहले जो बात हम चर्चा में बनी कि जब एक पर उपेंद्र कुशवाहा बयान दिले हा तो ये बात कहता रहे कि गलत पार्टी में फंस गए बड़े प्रशांत किशोर। अब वो काहे कहले हा चूँकि काल रुआ सुनबे कहीं नहीं कि प्याज के लेकर के और जूता चप्पल के लेकर के वो एगो कथा भी कहले वो कथा
ना सुनावल चाहत रहनी है, लेकिन कथा इतना ज़्यादा प्रासंगिक हो गई बा, इतना ज़्यादा मीडिया में और आम लोग के चर्चा के विषय हो गई बा कि वो कहल अब जरूरी हो गई बा। पत्रकार लोग से बात के दौरान जब वो कार्यक्रम में शामिल रहन तो पूछल गई कि आखिर उनकर का मतबा है पूरे मामला पर, तो कहले कि वो कथा सुना देता नहीं। कथा तो वो लोग सुनिए नहीं, कारण कि कथा जौन बा वो बहुत कुछ के तरफ इशारा करेला और आसानी से आदमी बात समझ भी जाला, कथे पर सब बा। तो कथा कहले उपेंद्र कुशवाहा कि एक व्यक्ति से पूछल गई कि तू प्याज खइब कि जूता खइब, प्याज के मात्रा भी ज़्यादा रहे, तो व्यक्ति कहलस कि हम प्याजे खा ले जूता काहे खाई। जैसे ही दू गो चार गो प्याज खैलस तब तो ओकरा अब ना खाइल जात रहे तो फिर जूता खा लेलस। जब जूता पड़े लागल तो कहलस कि अरे रे ना ना हम प्याज और खाई भाई हम प्याज खा जाए, फिर प्याज खाए लागल और ये सिलसिला चलत रहल जब तक ले प्याज खत्म ना हो गई। कहे के तात्पर्य इतने रहे उनकर कि एक व्यक्ति प्याज और जूता में ही फैसला ना कर पैलस कि का खाई, और ऐसन स्थिति में वो प्याज भी ओकरा खाए के पड़ल और जूता भी खाए के पड़ल। इशारा उनकर केकरा तरफ रहे ये तो खुद उहे बता सकता रहे, लेकिन ये अब बिहार के राजनीति में बहुत जबरदस्त घूम रहा बा और कहल भी जा रहा बा कि उपेंद्र कुशवाहा कुछ ओवर जा कर के बात कहले हैं। खैर ये तो बात ओजा कर रहा, अब असल बात जौन बा वो ये बा कि बिहार में सिटीजन रजिस्टर अमेंडमेंट बिल जौन की पास हो गई, राष्ट्रपति जी के भी मंजूरी मिल गई, अब बिहार में ना लागू करे के स्थिति में नीतीश कुमार नहीं खन। गिरिराज सिंह बेगूसराय पहुँच रहे हैं और बेगूसराय में ये बात पूरा दमखम के साथ कहले हैं कि बिहार में सीएबी लागू हो के रही, कानून बन गई बा, देशभर में लागू हुई, कोनो नया बात तो नहीं है, लेकिन इस माध्यम से वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार पर हमला जरूर कैले है, नीतीश कुमार के औकात बतावे की कोशिश कैले है। गिरिराज सिंह और नीतीश कुमार में काफ़ी समय से लोकसभा चुनाव के बाद से एक बार फिर से आमने सामने टसन चल रहा बा। लोकसभा चुनाव से पहले गिरिराज सिंह खातिर उनका मंच पर जाकर के उनका खातिर प्रचार कैले रहन नीतीश कुमार, ओकरा पहले भी नीतीश कुमार से खुद मिलले रहन गिरिराज सिंह और मिल करके रुसल फूलल रहन अपना पार्टी से जब टिकट उनकर एने से उन्हें कैल गई रहे, वो पूरा एपिसोड रुवालों के देखौले रही जा। लेकिन अब स्थिति लोकसभा के बाद बदल गई, हालांकि लोकसभा चुनाव के बाद से नीतीश कुमार जी भी बदल गई बा, लेकिन अब ये मामला बड़ा गुड़मुड़िया गई बा। एक तरफ जहां नीतीश कुमार के पार्टी और उनकर दावा कहल जा रहा बा कि बा NRC लागू ना हुई बिहार में, दूसर का तरफ BJP का कहना बा कि हर हाल में लागू हुई। अब ये पूरे मामले में कहाँ के सटीक बैठता, के जीती के हारी, दोनों स्थिति में नुकसान बिहार के हुई और हो भी रहल बा। रुआ देख रहल बानी कि इस CAB और NRC के लेकर के जौना तरीका के प्रदर्शन और आंदोलन हो रहल बा वो अब बहुत विकराल रूप ले रहल बा। काल जे कुछ भी भइल पुलिस और पब्लिक के बीच में वो पूरे बिहार के जौन की शांति के धरती कहल जाला लोकतंत्र के बदनाम कैलस, पुलिस के फायरिंग करे के पड़ल, मार कुटाई भइल, रगदा रगदी भइल, दिल्ली में भी चल रहल बा, उत्तर भारत में चल रहल बा, पूर्वोत्तर में चल रहल बा, सब जगह अब एकरा के लेकर के अलग अलग तरह के प्रदर्शन चल रहल बा। बिहार में तो रुआ पता ही बा कि अब राजनीतिक दल लोग अपन अपन घोषणा कर देले बा, हालांकि बंद के और विरोध के अपन अपन तरीका बा, अलग अलग गुट अपन अपन कर रहल बा। जहाँ एक तरफ से RJD के 21 तारीख के बंद के समर्थन अलग अलग महागठबंधन के दल कैले बाड़े, वो जे 19 तारीख के पप्पू यादव और वामपंथ वगैरह के बंद बा, ये सब बंदी के कहीं ना कहीं नुकसान तो बिहार के होके के बाद, बिहार के जनता के होके के बाद, वो लोग के वो नेता जी लोग के का असर पड़ी जौन कि AC रूम में बंद होकर के और स्ट्रेटजी बनावे ले, ये पूरा मामला कहाँ जाके विराम ली कहल बड़ा मुश्किल बा। 2020 के चुनाव से पहले नीतीश कुमार के दावा पर गिरिराज सिंह के पलटवार निश्चित रूप से एक बात तो जरूर कह रहा बा कि भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के बीच में सब कुछ ठीक बा ना, कारण कि एक तरफ नीतीश कुमार
भारतीय जनता पार्टी के हर वो काम के हर वो फैसला के माने खातिर मजबूर नजर आवतन। लोकसभा चुनाव के पहले घोषणा पत्र ना जारी करके भी ब्लेम और उनका पर कारण होकर बताओ जा रहा बा कि भारतीय जनता पार्टी के आइडियोलॉजी लागू करे खातिर वही घोषणा पत्र के मान के नीतीश कुमार चुनाव लड़ रहे हैं। यही चलते वो हर फैसला में हाँ में हाँ मिलावता रहे। खैर ये तो अलग बात बा, लेकिन जौना तरीका से नीतीश कुमार के पार्टी में दो तरीका के चल रहा बा विरोध और प्रदर्शन, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के भी नजर आवत हुई जैसे हमनी के नजर आवत है। तहरे से दोस्ती है तहरे से लड़ाई, कैसन भाई दोस्ती है कैसन होई जुदाई, वक्त बताई सब कुछ। लेकिन इतना तो निश्चित बा कि जौना तरीका से प्रशांत किशोर भारतीय जनता पार्टी के जड़ खोदे में लागल बा, नीतीश कुमार अगर साथ में रखत रहे तो नीतीश कुमार भी एकरा से आँच से और एक कार्यक्रम से अपना के अलग ना कर सकेले। इसी बिना है ये दोस्ती है और एक गठबंधन के बात हो रहा बा। गठबंधन में रह करके गठबंधन धर्म के बाहर अगर कोई भी आचरण करता तो निश्चित रूप से वो आचरण सही ना मानल जाए और भारतीय जनता पार्टी जदयू के बीच में जन संबंध बा वो नीतीश कुमार बदलने जरूर बाड़े कि भारतीय जनता पार्टी के हाँ में हाँ मिलौले बाड़े, लेकिन उनकर पार्टी से जो कुछ भी हो रहा बा जौना तरीका के प्रशांत किशोर के आह्वान बा कि आवलो लोकतंत्र बचाओ जाओ, देश बचाओ जाओ, संविधान बताओ बचाओ जाओ, ये कितना कारगर होता। अलग अलग जगह स्ट्रेटजी भी करल बा, तो दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी के विरोध में वो स्ट्रेटजी करी हैं, कलकत्ता में ऑलरेडी यानी पश्चिम बंगाल में करिए रहल बाड़े और भी तमिलनाडु और कौन कौन राज्य में वो कर रहल बाड़े भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। देखे वाला बात ही हुई कि 2019 के बाद 2020 में जब प्रवेश हमने करब जा तब के राजनीति का रही। इस बीच में तेजस्वी यादव के वो बयान बार बार सामने आ जाता चलू कहले रहन कि अभी तो सिर्फ शुरुआत बा, मार्च तक ले नीतीश कुमार के का हुई ये खुद कोई भरोसा ना कर सकेला। कितना का हुई कैसन कैसन राजनीति बनल बा या भीतर खाना में बहुत कुछ चल रहा बा ये भी देखे वाला बात हुई। हालांकि 21 तारीख के तेजस्वी यादव पूरा जोर शोर से तैयारी में लाग गए बना और बिहार के चक्का जाम करी हैं, इहो देखे वाला बात हुई। एकर असर सरकार पर कितना पड़ी, पब्लिक पर तो पड़ी, ये तो कन्फर्म बा कि पब्लिक यह बंद से प्रभावित जरूर हुई। जौन लोग दैनिक रोजी करके अपन परिवार चलावेला वो लोग के कष्ट जरूर हुई, लेकिन सरकार पर एकर कितना असर पड़ी ये ज़्यादा महत्वपूर्ण बा, कारण कि सरकार के लेकर के ही ये बंद हो रहा बा। 19 तारीख के भी बंद बा और यह सारा बंद के लेकर के सारा स्ट्रेटजी के लेकर के जहाँ एक तरफ गिरिराज सिंह कहते रहे कि जे भी कानून बा वो लागू होकर रही नीतीश कुमार रोक ना सकेले, वही जे नीतीश कुमार के पार्टी कह रहा बा। हालांकि नीतीश कुमार अभी निकल कहले पवन वर्मा के बात याद जरूर रखब कि पवन वर्मा कहले बड़े कि जब तक ले नीतीश कुमार बाहर निकल करके और बिहार के जनता के सामने यह बात के क्रिया ना खई हैं कि ना एनआरसी ना लागू देव तब तक ले कहल मुश्किल बा। ऐसे विपक्ष कह रहा बा कि नीतीश कुमार कब पलटी मार दी हैं कोई ठिकाना नहीं है, माधव आनंद के बात रुआ सुनबे कहीं नहीं, राजेश राठौर के बात रुआ सुनबे कहीं नहीं, ये सब खबर हमनी के लगातार चला रहा बन जा। विपक्ष पूरी तरह से नीतीश कुमार पर भरोसा नहीं है करत कि वो कह के भी पलटी मार सकेले। जुड़ रही सब है भारत लाइव के साथ, खुटा ठोक में रउआ अपन विचार जरूर दही, रउआ क्षेत्र के या रउआ कोनो ऐसा समस्या कोनो ऐसा विचार रउआ दिहल चाहत नहीं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखब, ओकरा के प्राथमिकता के साथ हमनी के प्रयास करब जा कि रउआ लोग के सामने ले करके आई और अधिक से अधिक लोग के जौना से फायदा होके जौन कनेक्ट होके वो बात जरूर रउआ लोग रखी। फिर मिलत निकाल गोर लागत नहीं। अगर वीडियो पसंद आई और रउआ बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली, ओजे एगो घंटी बा ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कली 9386816700। धन्यवाद।